नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब में अवैध माइनिंग पर जहां पंजाब सरकार ने पहले ही रोक लगाई हुई है, वहीं एनजीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक मानसून समय दौरान कोई लीगल खड्डे तक नहीं चल सकती, फिर भी पंजाब और खासकर लुधियाना में अवैध माइनिंग हो रही है और रेत के टिप्पर सतलुज से देर सवेर निकल रहे हैं, जिस पर पुलिस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही, ना ही अधिकारी कभी खंडों पर जाकर तबीज दे रहे हैं। खन्ना में जरूर आईपीएस प्रज्ञा जैन लगातार अवैध खनन माफिया की लगाम खींचने में लगी है और लगातार रेत की खड्डों पर देर रात और तड़के सुबह दबिश दी जा रही है। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैस लुधियाना पहुंचे थे तो उनसे अवैध माइनिंग को लेकर भी बातचीत हुई। मंत्री हरजोत सिंह बैस ने कहा कि पंजाब में वैसे तो हर एक खड्ड बंद करवा दी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो अवैध रूप से खड्डे चल रही हैं, अब सरकार उन पर सख्ती बरतने जा रही है। अवैध खनन सहन नहीं होगा, अक्टूबर तक हर तरह की माइनिंग बंद है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में आम आदमी पार्टी की पहल है कि लोगों को सस्ती रेत मुहैया करवाई जाए ताकि लोग अपने सपनों का घर बना सके। सरकार की कोशिश है कि 9 रुपए फुट रेत लोगों को दी जाए, वही लोगों के बीच बिचौलिए हैं, उन्हें हटाया जाए। बैस ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि सरकारी खजाना भरा जा सके। वहीं जो शरारती लोग हैं, वह यही चाहते हैं कि पहले की तरह रेत का काला कारोबार हो, लेकिन सरकार अवैध माइनिंग सहन नहीं करेगी। लुधियाना पुलिस से भी कहा जाएगा कि लगातार सतलुज दरिया पर दबिश दे ताकि अवैध खनन रोकी जाए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।